नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाशियाना बिल्डर्स में। और वीडियो शुरू करने से पहले हरियाशियाना की पूरी टीम की तरफ से आपको राधे राधे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सिंगल यूनिट फ्लैट। बहुत लोगों की डिमांड होती है कि यार हमको सिंगल यूनिट फ्लैट चाहिए, इंडिपेंडेंट फ्लैट चाहिए। आज हम आपके लिए ऐसा फ्लैट लेके आए हैं विद लिफ्ट एंड कार पार्किंग। तो गाइस 3 BHK का फ्लैट है जो कि 110 गज के अंदर बन के तैयार हुआ है। प्लस पॉइंट इसका यह है कि ये LIC अप्रूव्ड फ्लैट है। LIC लोन हम आपको करवा के देंगे। ROI 6.6 रहने वाला है इसका, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको फ्लैट का ओवरव्यू दे देता हूं। स्पेस बहुत अच्छा रहने वाला है। हम यहाँ पे 9-सीटर सोफा लगा सकते हैं, बहुत इजीली 9-सीटर सोफा लगा सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये देखिए 3D कस्टमाइज वॉलपेपर हम आपको लगा के दे रहे हैं, जो हमारे ड्राइंग रूम को बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। ये देखो भाई कितना प्यारा हम लोगों ने वॉलपेपर लगाया हुआ है। और देखा जाए तो यहाँ पे हमने स्प्लिट एसी का कनेक्शन दिया हुआ है। आपको आने के बाद यहाँ कोई तोड़ फोड़ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने पहले से आपको स्प्लिट एसी का कनेक्शन दे रखा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे हॉल में टाइल्स का काम किया हुआ है। टाइल्स बहुत प्यारी लगाई हुई है, ये देखिए गाइस इतनी प्यारी टाइल्स लगाई हुई है हम लोगों ने यहाँ पे। क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी के मामले में जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, क्वालिटी A1 देने वाले हैं हम आपको। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि यार हॉल है, 9-सीटर सोफा है, तो टीवी पैनल तो चाहिए। यहाँ पे हम आपको टीवी पैनल दे रहे हैं गाइस। देखिए कितना प्यारा लुक दे रहा है टीवी पैनल, बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। यहाँ पे हम लोग आपको स्पेस की, मैंने आपको जैसे कि कहा कि स्पेस की आपको बिल्कुल कमी नहीं होने वाली है। ये देखिए गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे आपको स्पेस की कमी नहीं होने वाली है। स्पेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे आप 52 इंचेस का अपना LED लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए आप अपने शो पीस रख सकते हो, शो पीस के लिए बहुत अच्छी जगह दी हुई है आप लोगों को। ये देखिए गाइस, अब ये दिखाने के बाद मैं आपको ले जाना चाहूंगा फॉल सीलिंग। सबसे अच्छी चीज यहाँ पे फॉल सीलिंग, ये देखिए गाइस फॉल सीलिंग पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बहुत अच्छा लुक दिया हुआ है फॉल सीलिंग को। और सबसे अच्छी चीज फॉल सीलिंग में लाइट्स बड़ी प्यारी लगाई हुई है गाइस। लाइट्स आप कोई जल्दी से ऐसी लगा के नहीं देगा, बहुत ही प्यारी लाइट्स लगा के दी है यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्राइंग रूम में ना कोई आपको जल्दी से अलमीरा नहीं देगा। यहाँ पे हम लोगों ने आपको ड्राइंग रूम में अलमीरा दी हुई है जो कि बिग साइज है, ये देखिए गाइस। और एक बहुत अच्छी चीज क्या है, इसका कलर बहुत अच्छा है। ये जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना दोनों कलर्स का, ये बहुत प्यारा लग रहा है गाइस। मैं इसको आपको अंदर से दिखाना चाहूंगा। स्पेस की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है, स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए स्पेस की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है इसके अंदर। ये देखिए गाइस ऊपर भी गाइस इतनी बड़ी अलमीरा आप लोगों को अंदर मिलने ही नहीं वाली है। हॉल के अंदर इतनी बड़ी अलमीरा कोई नहीं देता है जो कि हम लोगों ने दी है। तो गाइस ड्रॉइंग रूम के अंदर आपको वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ आपको वेंटिलेशन दे रहे शाफर का वेंटिलेशन है यहाँ पे। और मैं इसके बाद आपको लेके जाना चाहूंगा ड्राइंग रूम के साथ में जो हमारा बेडरूम है। तो गाइस हम लोग आगे ड्राइंग रूम से अटैच फर्स्ट बेडरूम की तरफ, और मैं दिखाना चाहूंगा यहाँ पे भी
पे आपको दरवाजे में बहुत ही प्यारा डिजाइन दिया हुआ है। आप डिजाइन देख सकते हो, बहुत प्यारा है। यहाँ पे स्पेस की आपको कमी नहीं होने वाली है। किंग साइज का बेड लगा सकते हो। किंग साइज का बेड लगाने की बात करें, यहाँ पे आपको काफी स्पेस मिल जाएगा, फिर भी आपको स्पेस की कमी नहीं होगी। वॉलपेपर देखो गाइस, कितना प्यारा वॉलपेपर लगाया हुआ है यहाँ पे। वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी गाइस, यहाँ पे भी हमने आपको शावर का वेंटिलेशन दिया हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्प्लिट एसी का कनेक्शन दिया हुआ है। मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि आपको आगे कोई तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे स्प्लिट एसी का कनेक्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग, यहाँ पे भी फॉल सीलिंग का काम बहुत ही प्यारा किया हुआ है, जिसके अंदर लाइट बहुत प्यारी लगाई हुई है, जो कि मेरे को बहुत पसंद आई है, इसको खूबसूरत बना रही है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लेडीज की फेवरेट प्लेस पे, जैसे कि आप देख सकते हो किचन में स्पेस बहुत अच्छा दिया हुआ है। चाहे कुछ भी हो, लेडीज मना नहीं कर सकती है यहाँ पे आने के बाद कि हमें ये फ्लैट नहीं चाहिए, क्योंकि हमने इनको किचन बहुत प्यारा बना के दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रिज का स्पेस है, फ्रिज का बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है। हाफ टाइल्स का हमने यूज किया है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था स्पेस बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ में ड्रॉअर में भी स्पेस हमने बहुत अच्छा दिया हुआ है। मैं आपको सारे ड्रॉअर दिखा रहा हूँ, ड्रॉअर में बहुत अच्छा हमने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। और गाइस आप एक चीज देख सकते हो, ड्रॉअर में हमने यहाँ पे काम बहुत अच्छा किया। ये देखिए गाइस, डिजाइन बहुत प्यारा बनाया हमने यहाँ पे ड्रॉअर्स में। और ये देख सकते हो आप चिमनी, हमने चिमनी लगा के दिया आप लोगों को। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था गाइस कि वेंटिलेशन की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और किचन में तो वेंटिलेशन जरूरी है। यहाँ पे हम आपको वेंटिलेशन दे रहे हैं, ये जैसे कि आपको बताया था ड्रॉअर्स। और हम आपको एक और चीज दे रहे हैं गाइस, ये देखिए गाइस, हम आपको आरओ लगा के देंगे। यहाँ पे आरओ लगा हुआ है पहले से, कनेक्शन हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कनेक्शन है। यहाँ पे आप स्पेस देख सकते हो, यहाँ पे आपको स्पेस की कोई भी कमी नहीं है। तो गाइस हम लोग चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे हम आपको गीजर पहले से ही लगा के दे रहे हैं गाइस। यहाँ पे गीजर लगा हुआ है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि फुल्ली वेंटिलेटेड फ्लैट है, तो वेंटिलेशन की आपको वॉशरूम में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वॉल टू वॉल हमने टाइल्स लगा के दी है आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए गाइस, वॉश बेसिन हम लगा के दे रहे हैं आपको। और सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें वॉशरूम में भी स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली है, स्पेस बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि बालकनी से अटैच है। ये देख सकते हो गाइस, इसमें भी स्पेस की आपको कोई कमी नहीं होने वाली है, स्पेस काफी अच्छा है। किंग साइज बेड आप यहाँ पे लगा सकते हो इजीली, और उसके बाद भी काफी अच्छा स्पेस आप लोगों को मिलेगा। और ये देखिए गाइस, वॉलपेपर यहाँ पे भी वॉलपेपर का काम बहुत अच्छा किया हुआ है। 3D कस्टमाइज वॉलपेपर यहाँ पे लगाए गए, बहुत ही प्यारा काम किया हुआ है वॉलपेपर पे। अब आए तो हम लोग देखते हैं ऊपर फॉल सीलिंग का काम भी यहाँ पे काफी प्यारा किया हुआ है। हर रूम में अलग तरह की फॉल सीलिंग की हुई है। ये देखिए गाइस, और सबसे अच्छी चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि फॉल सीलिंग में जो लाइट्स का काम है ना, वो बहुत अच्छा किया हुआ है गाइस। और ये देखिए गाइस, फैन यहाँ पे हमने फैन आपको लगा के दिया है। वेंटिलेशन की आपको कोई कमी नहीं होगी, मैंने आपको पहले भी कहा था गाइस। वेंटिलेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमने आपको डबल डोर विंडो दे रखा है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमने बीच में ही दिया हुआ है, सेफ्टी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी साइड पे हमने आपको ग्लास विंडो दिया हुआ है, आप देख सकते हो ग्लास विंडो दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना एसी प्लेस कर सकते हो, एसी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम चलेंगे बालकनी की तरफ, जो कि हमारे बेडरूम से कनेक्टेड है बालकनी। आइए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा बालकनी में स्पेस काफी अच्छा है गाइस। ये देखिए, यहाँ पे आप इजीली अपनी वॉशिंग मशीन लगा सकते हो। वॉशिंग मशीन लगाने का हमने आपको बहुत अच्छा स्पेस दिया हुआ है, हमने यहीं पे आपको नल भी दिया हुआ है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे अच्छी चीज, इसकी जो टाइल्स है ना गाइस, टाइल्स पे बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इसका डिजाइन बहुत खूबसूरत लग रहा है मेरे को भी। और वॉल टू वॉल टाइल्स करके दिए गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रिल्स का काम काफी अच्छा किया है, काफी अच्छी क्वालिटी दी हुई है ग्रिल्स के लिए। और यहाँ पे हम कपड़ा सुखाने के लिए जो वायर्स होती है, कपड़े सुखाने के लिए वो वायर्स लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे नीचे 20 फुट की रोड दी हुई है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे भी आपको स्पेस की कोई कमी नहीं होने वाली है। तो गाइस चलते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ। आप देख सकते हो मास्टर बेडरूम में भी स्पेस काफी अच्छा दिया हुआ है, स्पेस की आपको कमी नहीं होने वाली है। यहाँ पे भी आप अपना किंग साइज का बेड लगा सकते हो। और बेड लगाने के बाद भी गाइस यहाँ पे देखिए, आपको स्पेस की कमी नहीं होगी, यहाँ पे भी स्पेस काफी अच्छा रहने वाला है। अब हम आए तो देखिए वॉलपेपर बहुत प्यारा है गाइस। यहाँ पे भी वॉलपेपर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है वॉलपेपर के अंदर। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 3D कस्टमाइज वॉलपेपर लगाया गया है यहाँ पे। अब उसके बाद आते हैं फ्लोरिंग पे। आप देख सकते हो गाइस, फ्लोरिंग पे यहाँ पे भी बहुत ही प्यारा काम किया गया है, बहुत प्यारा काम किया है बहुत। अब हम फॉल सीलिंग पे आते हैं। ये देखिए गाइस, फॉल सीलिंग का काम भी हर रूम में बहुत प्यारा किया है, हर रूम में डिफरेंट किया है। बट लाइट्स देखिए गाइस, सबसे अच्छी चीज जो लगी है लाइट्स। यहाँ पे लाइट्स का बहुत अच्छा काम किया है,
फैंस हम आपको लगा के देंगे, फैन की आपको कोई दिक्कत नहीं है, फैन हम लगा के देंगे आपको। अब देखिए गाइस यहाँ पर हम एसी लगा सकते हैं, एसी लगाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे एसी लगा सकते हैं। अब हम चलते हैं वॉशरूम की तरफ। ये देखिए गाइस यहाँ पे वॉशरूम में भी काफी अच्छा स्पेस है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वेंटिलेशन की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। वेंटिलेशन ये देखिए गाइस, वेंटिलेशन के लिए आपको काफी अच्छा ये दिया हुआ है। यहाँ पे वॉल टू वॉल टाइल्स की गई है, टाइल्स का काफी प्यारा काम किया है गाइस, देखिए काफी अच्छा डिजाइन दिया गया है। यहाँ पे वॉश बेसिन हम आपको लगा के देंगे, वॉश बेसिन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस। ये देखिए स्पेस काफी अच्छा है, यहाँ पे नीचे टाइल्स देखिए गाइस, टाइल्स का काम भी काफी प्यारा किया गया है वॉशरूम में, नीचे फ्लोर पे काफी प्यारा काम किया है यहाँ पे भी। तो गाइस आप लोगों ने देखा 3 BHK का फ्लैट है जो कि 110 गज में बनके तैयार हुआ है, सिंगल यूनिट फ्लैट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उस चीज की भी आप लोगों को। स्पेस काफी अच्छा था, वेंटिलेटेड फ्लैट था ये गाइस, आप देख सकते हो वेंटिलेशन काफी अच्छा था इसके अंदर, चिमनी गीजर और RO हम आपको लगा के दे रहे हैं गाइस, ये भी बहुत अच्छी चीज है कि हम आपको ये सारी चीजें लगा के दे रहे हैं। तो गाइस फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्री की हुई है, LIC अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, और जैसे कि हमने बताया कि LIC लोन हम आपको करवा के देंगे, उसकी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ROI इसका 6.66 रहने वाला है, काफी लिमिटेड स्टॉक है गाइस, मैं तो कहूंगा विजिट करने जरूर आए, विजिट जरूर करना, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया था गाइस आप लोगों को कि आपका ये चीज हमें बहुत मोटिवेशन देती है और वो हमें जरूरत है उस चीज की, तो प्लीज गाइस लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे नई फ्लैट पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको राधे राधे।